ये वस्त्र विक्रेता संघ के लोग ये जानकारी लेने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं और इन्होंने एक ज्ञापन भी तैयार किया है, तो इस संबंध में इनसे बात करते हैं। आप किस लिए ये यहाँ पे आए हैं? सात जिला की दुकानें खुल चुकी हैं और हरियाणा प्रदेश सारा जो ऑरेंज जोन उनके वह सारा खुल चुका है, हमारी दुकानों में मतलब ये गंगानगर तो ग्रीन जोन में है और आप कह रहे हो भी ऑरेंज जोन में है, वहाँ खुल चुकी है हरियाणा हरियाणा। तो इसमें इसमें जो आपने प्रशासन से बात की है तो उनसे क्या जवाब मिला? प्रशासन का तो ये हमारे हाथ ऊपर है, ये कलेक्टर साहब या सीएम साहब कुछ कर सकते हैं। आपको कहने का मतलब आपको कोई स्पष्ट इस बारे में निर्देश नहीं मिले हैं? हाँ जी हाँ जी, हम भी चाहते हैं कि जैसे पंजाब और हरियाणा में कुछ दुकानें खुली हैं उसी हिसाब से हमारे को भी 50% खोलने की अनुमति दी जाए, हम ये चाहते हैं। रिलीफ चाहते हो आप? हाँ, अगर 100% नहीं दे सकते तो 50% कम से कम दुकानें हमारे को खोलने की अनुमति दी जाए, या कोई इस तरीके का एक रोटेट वाइज सिस्टम सिस्टम बना दें भाई, एक दिन ये दुकानें खुलेंगी एक दिन ये खुलेंगी, ताकि सभी का रोजगार चलता रहे, हमारी परेशानी दूर हो जाए और सबकी परेशानी दूर हो तो जाए। इस बारे में आपने कोई पत्र व्यवहार या ज्ञापन वगैरह कुछ दिया? एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अच्छा जी, परंतु वो कहते हैं कि हमारे तो हाथ में नहीं है। हाँ जी हाँ जी, हम भी ये प्रशासन से गुहार करते हैं कि हमारा जो है मतलब ये समस्या का समाधान किया जाए, ताकि हमारी आजीविका भी चलती रहे, हमारे जो स्टाफ है उनको भी हम सैलरी देते रहे। हाँ। और जो किराए की दुकानें हैं वो बेचारे अपने किराए भी देते रहे और आम जनता को भी कुछ रिलीफ मिले, नहीं तो बहुत बड़े संकट आ जाएगा, भूखमरी का और परेशानी बहुत ज्यादा। तो ये आपके संयुक्त कपड़ा संघ की तरफ से ज्ञापन दिया गया है क्या? हाँ जी, हाँ जी। या पार्टिकल दुकानदारों के? नहीं, सारे संघ के संगठन की तरफ से। बिल्कुल ठीक है, ये लोग यहाँ